हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, और उसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। उसके बाद में हमने डिफाइनिंग फीचर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंसेस है, और फिर हम फील्ड्स ऑफ सिस्टमैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे डाइवर्सिटी की। सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। डाइवर्सिटी इज द अक्रेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसकी जो डेफिनेशन है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, इसके अंदर आने वाली जो एक एक चीज है, एक एक टर्म है, हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो अक्रेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अक्रेंस मीन्स मिलना, वैरायटी मीन्स अलग अलग तरह की, लाइफ फॉर्म्स मीन्स लिविंग बींग्स का। यानी कि डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन, उसमें ये कहना चाह रहा है लिखने वाला कि जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स का मिलना है, अलग अलग वैरायटी की लाइफ फॉर्म्स का मिलना है। अब वो अलग किस तरह से है ये बताया जा रहा है। डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि वे जो है अलग अलग वैरायटी की जो लाइफ फॉर्म्स है, वे एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील अबाउट वेरियस शेप्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग बींग्स के जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स को मॉर्फ्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। और नॉन लिविंग्स को हम एमॉर्फ्स कहते हैं। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, वहीं से टर्म लिया गया है। इसके अंदर लिविंग बींग्स की जो डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वही चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी तक डेफिनेशन में हमने ये जान लिया है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि उनकी जो फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज जो होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और उनके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, यानी देखने में बाहर से उनकी शेप, साइज, उनके फीचर्स सबके अलग अलग होंगे। कलर, उनके जो कलर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, यानी अलग अलग कलर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। बर्ड्स देखिए, कितनी अलग अलग कलर्स में आपको बर्ड्स मिलेंगे। एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अंदर से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सबकी अलग अलग होती है। आप देखेंगे, आइज की स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो ह्यूमन आइज है और जो कॉकरोच की आइज है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे बनी हुई है। तो उसकी जो एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, यानी कोई ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहता है उसको हैबिटेट कहा जाता है। और हैबिट होता है कि उसका क्या बिहेवियर पैटर्न है, यानी किस तरह से वो बिहेव करता है। जैसे कि आपको रीडिंग करने की हैबिट हो जाती है, सोते टाइम दूध पीने की हैबिट हो जाती है, इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी अलग अलग हैबिट होती है। हैबिट को एक लार्जर टर्म में यूज किया जाता है। प्लांट्स के अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो वहाँ पर हैबिट को इंक्लूड किया जाता है कि प्लांट्स किस तरह का उनकी अपीयरेंस है, यानी कि जैसे कि एक प्लांट होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, हर्बेशियस होगा, जैसे दूब ग्रास का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसकी हैबिट क्या होगी, उसको हर्ब कहा जाएगा। रोज प्लांट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसकी हैबिट क्या होगी, उसको श्रब कहा जाएगा, मैंगो को ट्री कहा जाएगा। तो प्लांट की हैबिट्स होगी। अब हम इसी तरह से हैबिट्स की बात करें एनिमल्स की, कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं, जैसे कि उल्लू है, वो रात को जगता है, तो उसकी ये हैबिट हो गई। मंकी हो गई, मंकी अर्बोरियल होता है, यानी को ट्रीज पे रहता है, उसकी हैबिट ट्रीज पे रहना हो गई। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हैबिट और हैबिटेट अलग अलग होती है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। अभी तक तो हमने इसका ब्रेक डाउन किया था। तो अक्रेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी अलग अलग तरह की वैरायटी लाइफ फॉर्म्स में मिलती है, उसका मिलना, क्या क्या वैरायटी उनके अंदर है, उनके अंदर वैरायटी प्रेजेंट है उनकी मॉर्फोलॉजी में, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फीचर्स में, साइज में, कलर में, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटोमी में, और हैबिट और हैबिटेट में। जो ये फिनोमेना है, इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। आप किसी शॉपकीपर की दुकान पर जाते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे ही आप जाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि अलग अलग वैरायटी की चीज़ें दिखाइए, यानी वो अलग अलग टाइप्स की चीज़ें आप देखना चाहते हैं। साड़ी आप खरीद रहे हैं, तो अलग अलग वैरायटी में आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि जब आप अपनी अर्थ पर घूमते हैं, देखते हैं, किसी जंगल में आप जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में आप जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग वैरायटी के लिविंग बींग्स हैं। वैरायटी उनके अंदर उनकी मॉर्फोलॉजी में है, एक्सटर्नल फीचर्स में, इंटरनल फीचर्स में, कलर में है, उनके रहने की जगह में है, और किस तरह से वो, क्या उनका बिहेवियरल पैटर्न है, उसमें है।
तो ये जो वैरायटी है इसको ही हम ओवरऑल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये हमने डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है इसका हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। तो अब आप समझ गए कि डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि हमारी अर्थ पर अलग अलग टाइप की लिविंग लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, उनका ये अलग अलग तरह से बिहेव करना ही इसको डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अब ये डाइवर्सिटी है कितनी वाइड, थोड़ा सा आइडिया हमें ये भी ले लेना चाहिए कि कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। तो 2011 में हवाई यूनिवर्सिटी ने ये एक अपना सर्वे किया, उन्होंने बताया कि पूरी अर्थ के ऊपर 8.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, यानी कि 87 लाख प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी लिविंग बींग्स है सबको उन्होंने जोड़ लिया उसके अंदर। उन्होंने बताया कि उनका एस्टिमेट यह है कि 8.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से 6.5 मिलियन प्रेजेंट है लैंड पे और 2.2 मिलियन प्रेजेंट है ओशंस में। आप देख सकते हैं लैंड पर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लिविंग बींग्स ज़्यादा लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, थोड़े कम मात्रा में ओशंस में प्रेजेंट है। अब उनमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी लगभग 17 लाख के आसपास जो स्पेसीज है उनको डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर मतलब आप उनको पहचान सकते हैं, उनका नाम जानते हैं बायोलॉजिकली। जो साइंटिस्ट हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कंटिन्यूस अपनी स्टडीज करते हैं, उन्होंने इतनी डाइवर्सिटी में यानी आउट ऑफ 8.7 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली 1.7 टू 1.8 मिलियन आर डिस्कवर्ड। ये जो डेटा है ये दिया है IUCN ने। IUCN आप जानते होंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेड ऑफिस है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये एक GS का क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ में बता दिया है, IUCN का हेड ऑफिस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो IUCN ने जिसका काम है जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग बींग्स हैं उनके कंजर्वेशन, नेचर और नेचुरल चीज़ों को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, ये उस पर काम करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग 17 लाख मिलियन स्पेसीज हैं पूरी अर्थ के ऊपर जो जिसको हमने डिस्कवर कर लिया है। इनमें से 1.2 मिलियन स्पेसीज हैं एनिमल्स की और 0.5 यानी 5 लाख स्पेसीज हैं प्लांट्स की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा हैं और प्लांट्स कम हैं, फिर भी हम पेड़ों को काटते हैं और पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो आप इस डेटा से एक और आइडिया ये लगा सकते हैं कि प्लांट्स कंपैरेटिवली कम हैं। तो ये डाइवर्सिटी हमने समझ लिया कि इतनी वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर और उसमें 15,000 न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर, यानी हर साल लगभग 15,000 स्पीसीज नई डिस्कवर की जाती है। नई डिस्कवरी का मतलब है कि हम उनको पहचान लेते हैं, हम उसको एक अलग से नाम दे देते हैं। अब तक हम उसको जानते ही नहीं थे कि इस तरह का भी कोई प्लांट या इस तरह का कोई एनिमल, कोई बैक्टीरिया, कोई लिविंग बींग एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से ये वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी है। अगर आप अपनी अर्थ को चारों तरफ से देखेंगे, घूमेंगे, तो इतनी वाइड रेंज डाइवर्सिटी हमारे पास हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ये डाइवर्सिटी हो गया, डेफिनेशन हमने ब्रेक डाउन कर ली थी। अब डाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर इतनी वाइड प्रेजेंट है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे सामने इसने क्या समस्याएं क्रिएट की, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी होने की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। स्टडी हम उनको क्यों करना चाहते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं पहले ही कि हमें स्टडी करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमें उनको कंजर्व करना था और हमें ये जानना था कि वे हमारे किस तरह से काम आ रहे हैं। और हमें ये सब चीज़ें समझ आ गई थी कि इकोसेंट्रिक व्यू से वर्ल्ड चल रहा है, हमें अगर अपने आप को अर्थ पर सर्वाइवल अपना बचाना है तो हमें प्लांट्स एनिमल्स सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी और उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन सब के बारे में जानें। तो जानने के लिए हमें उनको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए हमारे पास समस्या है कि हमारे पास इतनी वाइड डाइवर्सिटी है, इतनी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है कि हम उनको एक साथ पढ़े कैसे, ये हमारे सामने समस्या आ गई। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले सोचा गया कि सबसे पहले हमारे पास जो समस्या है उसका समाधान होगा कि हम उसको कोई नेम दें, यानी हमारे पास जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको हम नाम दिया जाए, कोई नाम हमारे पास होना चाहिए जिससे हम उनको बुला सके, पुकार सके। कोई नया इंडिविजुअल, कोई नई स्पीसीज हमने ढूंढ लिया है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका नया नाम रखा गया है, COVID-19 उसको बोला गया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है जिससे हम उसको स्पेसिफिकली पता लगा सके, पहचान सके। तो इतनी लार्ज डाइवर्सिटी है तो हमें उसका नाम होना, नाम का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब नाम का पता होने के लिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ क्यों ज़रूरी है नाम होना हमारे लिए, क्यों इतना एसेंशियल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक आयुर्वेदाचार्य हैं, ये जड़ी बूटी बना रहे हैं और ये इम्यूनिटी की बहुत ही अच्छी दवाई तैयार कर रहे हैं।
अब इनके बारे में पता चला जो बाइडेन को, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको बुला लिया कि आप इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ तैयार करते हो तो आप ये दवाइयाँ हमें भी बना के दीजिए। ये चले गए अमेरिका, फ्लाइट पकड़ी इन्होंने और ये तुरंत पहुँच गए अमेरिका। अमेरिका जाते ही बहुत ही भव्य स्वागत इनका हुआ। वहाँ जाने के बाद इनको कहा गया कि आप वो जो दवाई इंडिया में बनाते हैं इम्यूनिटी के लिए हमें बना के दीजिए। अब इन्होंने दवाई बनाने के लिए कहा कि मैं अपने साथ अपना घोटने वाला नहीं लेके आया। तो जो बाइडेन ने कहा कि घोटने वाले की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको मिक्सर दे देंगे, आप उसमें अपनी जड़ी बूटियाँ हमें दवाई बना के दीजिए। तब आयुर्वेदाचार्य ने कहा कि जड़ी बूटियाँ तो मेरी सारी इंडिया में है, यहाँ पर मैं इतनी जड़ी बूटियाँ नहीं लेके आ सकता हूँ, तो मुझे जड़ी बूटियों की भी ज़रूरत होगी। तो बाइडेन साहब ने कहा कि बहुत ईजी हमारे लिए, हम जड़ी बूटियाँ आपको ढूंढ के दे देते हैं, बताइए क्या आपको चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे गिलोय चाहिए, गिलोय से मैं सारी की सारी अपनी दवाइयाँ बनाता हूँ। अब गिलोय का नाम लेते ही बाइडेन और उनकी पूरी टीम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, गिलोय हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो इन्होंने उनसे पूछा उन्होंने कि बताइए कोई पहचान तो बताइए गिलोय की। तो उन्होंने कहा कि हाँ उसकी पहचान है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो इन्होंने ढूंढा, नहीं मिला, पूरी टीम लग गई। तो उन्होंने बताया कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो दिल की तरह की होती है, हार्ट शेप्ड होती है, और उसके जो सीड्स होते हैं वो मून की तरह के होते हैं। तो इन्होंने एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि जो गिलोय है उसकी जो लीव्स हैं वो हर्ट की तरह की हैं और जो उसके सीड्स हैं वो मून की तरह के हैं। तो एक आइडिया इन्होंने ये दे दिया। तो जो बाइडेन की टीम थी इम्यूनिटी की दवाई उसको तैयार करनी थी, तो लग गई काम पर। 10-15 दिन उन्होंने लगे और उन्होंने ये एक प्लांट ढूंढ लिया। अब ये आयुर्वेदाचार्य के पास लेके गए कि हमने ये प्लांट ढूंढ लिया। इन्होंने कहा ऋषि ने, महाराज ने, कि ये तो एक दवाई है, मैं तो 75 दवाइयाँ मिला के बनाता हूँ। तो सबकी बैटरी डाउन होगी कि अब क्या किया जाए। एक प्लांट को ढूंढ के लाए हम, जिसको ये गिलोय समथिंग ही इज कॉलिंग सम गिलोय, उसको हम कहाँ से लाएं। तो गिलोय का उन्होंने एक आइडेंटिफाइफिकेशन बता दी थी कि हर्ट लीव्ड है, मून सीड है, सबकी वो ऐसे ही बताएंगे तो ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया कि इतनी वाइड डाइवर्सिटी को अगर हमें समझना है तो हमें उसको स्टडी करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हमें उसका एक कोई पर्टिकुलर नाम जरूर रखना होगा। अब नाम क्या रखा गया, अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एक नाम रख दिया, यस। अब हमने अगर इसका एक स्पेसीज का नाम रख दिया, जैसे यही है हार्ट लिव्ड मून सीड्स जो प्लांट है, अगर हमारे पास इसका एक नाम है, इसका एक नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये इसका बोटेनिकल नेम है। और अब हमने सबको यही नाम बता दिया कि ये जो प्लांट है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसको इम्यूनिटी बनाने के लिए दवाई के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। सब लोग जान लें, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोई टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहेगा आप ये प्लांट ला के हमें दे देंगे। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर ये नाम हो, इस तरह का कोई नाम हो और उसकी रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड वाइड हो, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। तो इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इस डाइवर्सिटी में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, हमें कुछ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें एक पार्टिकुलर प्लांट को, जिसकी हमें ज़रूरत है, या किसी भी जगह हमने या उसको नया डिस्कवर किया या किसी काम के लिए हमें उसकी आवश्यकता है, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कुछ फीचर्स होंगे जिनके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या पता होना चाहिए हम उसका, हमें उसका नाम पता होना चाहिए। नाम रखने का जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो एक नोमेनक्लेचर का पैटर्न हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले, बिना अगर हमने किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, तो हमारे लिए नाम रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसको नाम देंगे। तो नोमेनक्लेचर का जो स्टेप है वो बाद में आता है, सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई करने का। तो दो स्टेप हमने देखे हैं कि डाइवर्सिटी को हम समझ सकते हैं। अगर इतना जो डिफिकल्ट टास्क है, 8.7 मिलियन जो स्पेसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर पैटर्न है, कोई प्लान है जिसके बेसिस पर हम उनको समझ सकें। तो उस प्लान का सबसे पहला हिस्सा है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, दूसरा हिस्सा है आप उसका नाम रखें यानी उसको आप नोमेनक्लेचर करें, और तीसरा हिस्सा है क्लासीफाई करना, यानी तीसरे पार्ट में आप क्या करिए, आप उनको क्लासीफाई कर दीजिए। क्लासीफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी आपने चीज़ें डिस्कवर की, आप उनको सिमिलर ग्रुप्स में रख दीजिए। सिमिलर ग्रुप्स में यानी आपने एक गिलोय ढूंढा, उसका आपने नाम रख दिया टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इस तरह के अगर आपके पास और भी ऑर्गेनिजम्स, और भी प्लांट्स हैं जो इसके कुछ सिमिलर हैं, सिमिलर फीचर्स हैं, तो इनके साथ आप उसको ग्रुप को रख दीजिए। ये क्लासिफिकेशन हो गया, यानी सिमिलर ग्रुपिंग्स आप उनकी बना दीजिए। तो हमारे पास, हमारा जो काम है स्टडी करना, डाइवर्सिटी को समझना, ये थोड़ा
इजी हो जाएगा। तो ये सब इजी करने के लिए एक ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कैसे हम इस डाइवर्सिटी को समझे, इतनी वाइड डाइवर्सिटी को हम कैसे स्टडी करें, वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो डाइवर्सिटी पढ़ लिया है हमने, डाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। आइए पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। अभी तक हमने एक एग्जांपल ले लिया है गिलोय का, जिसको टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहा जाता है बायोलॉजिकली या बोटेनिकल उसका ये नेम है। अब हमने उसका एक एग्जांपल लिया था और उसके एग्जांपल को लेकर के हमने ये समझा था कि तीन स्टेप्स में हम डाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इतनी जो वाइड डाइवर्सिटी है हम उसको बड़ी ईजिली समझ सकते हैं अगर हम तीन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड स्टेप था नोमेनक्लेचर और थर्ड स्टेप था क्लासिफिकेशन। तो उन तीनों चीज़ों को ही जिस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है उसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। बहुत ईजी है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। जो ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये जो बनाए गए, जो ये प्रोसीजर्स बनाए गए, फॉर्मुलेट किए गए, उन सभी को जिस ब्रांच के अंदर हमने रखा, जिस ब्रांच के अंदर हमने अरेंज किया, जिस ब्रांच के हमने फॉर्मुलेट किया, उस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के जो वर्ड डेवलप किया था वो थे डी कैंडोली, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं। डी कैंडोली एक तरह से डार्विन की इंस्पिरेशन थे। डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है वो डी कैंडोली की कुछ रिसर्च पर बेस्ड होकर उन्होंने दी थी। डी कैंडोली ने भी बताया था कि ये बोटेनिस्ट थे, तो डी कैंडोली की जो सारी रिसर्च थी वो बॉटनी में थी। इन्होंने ये बताया था कि नेचर के अंदर वॉर चल रहा है, नेचर्स वॉर ये है, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो अपने रिसोर्सेज, अपना फूड वगैरह के लिए एक दूसरे से लगातार कंपटीशन करते रहते हैं और उस कंपटीशन में कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन अर्थ पर लिविंग बींग्स के बीच में प्रेजेंट है। इन्होंने उसको स्पेसिफिकली प्लांट से रिलेटेड करके बताया था। तो ये डी कैंडोली थे, इन्होंने जो वर्ल्ड टैक्सोनॉमी था वो डेवलप किया था, या इन्होंने ये टर्म सबसे पहले दिया था। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है, हु गेव द टर्म टैक्सोनॉमी। ये थे डी कैंडोली, जिनके बाल ऊपर की ओर खड़े हैं, ये डी कैंडोली है, इनका चेहरा आप ध्यान से समझ लीजिए। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है इन्होंने ग्रीक वर्ड से लिया। इसके दो हिस्से अगर हम करें, ये दो हिस्सों में आता है, टैक्सिस एंड नोमास। टैक्सिस मीन्स हो गया अरेंजमेंट एंड नोमास मीन्स लॉ, यानी कि किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए जो हम नियम बनाएंगे, जो हम प्रोसीजर्स रखेंगे, जो हम कानून बनाएंगे, उनको हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी के अंदर किस तरह के लॉज बनाए गए हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ लॉज ऐसे बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से हम डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर सके, नोमेनक्लेचर उनका कर सके और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सके। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं ये, बहुत इनका जबरदस्त योगदान है साइंस में, इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि टैक्सोनॉमी में आगे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया। कैंडोली ने तो एक वर्ड टर्म देके छोड़ दिया टैक्सोनॉमी, लेकिन उसमें ज़्यादातर काम जो है इस चीज़ों के अंदर कैरोलस लीनियस ने ही किया है। तो इन्होंने ये बता दिया कि टैक्सोनॉमी कोई चीज़ होती है। अब टैक्सोनॉमी के बाद में एक नया टर्म आ गया, सिस्टमैटिक्स। पहले हम टैक्सोनॉमी को समझ लिया है हमने, अभी तक हम ये जान गए हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको हम स्टडी करें, वो हमारे लिए आसान हो जाए, इतने लार्ज नंबर्स हैं, तो उसको हमने तीन स्टेप्स में कर लिया है। आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, फिर हम नोमेनक्लेचर कर देंगे, हम उनको क्लासीफाई कर देंगे। तो जो टैक्सोनॉमी है मैं उसके अंदर क्लासीफाई जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कर रहे हैं उसका हमारे पास क्या बेसिस है, यानी कोई आधार तो होगा हमारे पास, हम उनको क्लासीफाई किस आधार पर कर रहे हैं। जो हमारे पास बेसिस था वो था फ्यू ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी हम दो इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं और हम उनके कुछ बाहर से, यानी सिर्फ बाहर से हम उनको स्टडी कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्सोनॉमी के अंदर हम अभी तक ये पढ़ रहे थे कि हम उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो मॉर्फोलॉजी शेप साइज फीचर्स से रिलेटेड है, हम उनको स्टडी कर रहे हैं और उनको स्टडी करके हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके रख रहे हैं। यानी कि हम दो, हमने मान लिया, हमने दो ग्रुप्स बना दिए, हमने कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, उनके कुछ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उनको उन ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। बस ये हमारे पास तरीका हो गया उनको क्लासिफाई करने का। तो ये जो क्लासिफाई करने का सिर्फ एक क्राइटेरिया हमारे पास है, फ्यू ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत ही ध्यान से। क्राइटेरिया क्या था, सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर रहे थे सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी के अंदर।
लेकिन बाद में ये समझ में आया कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हमारे पास हो और उसी से हम सबको मेजर कर रहे हो, सबको क्लासीफाई कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर अगर हम उसको क्लासीफाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसको हमें कई चीज़ों के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और जब हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, हम उनको उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देख लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ये एडवांस फीचर हो जाएगा, यानी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा प्रिसाइज या ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो जिस ब्रांच के अंदर ये बातें कही गई उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स। एक बार फिर से मैं आपको दोनों चीज़ें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसको कहा गया बैक्टीरिया, और उसके बाहर की तरफ एक वॉल प्रेजेंट है जो कि जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। हमने इसका एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर हमने लिया है सेल वॉल का प्रेजेंट होना। अब इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर हमने एक प्लांट को देखा, ये एक प्लांट है, ये हमने एक प्लांट लिया और इसकी एक सेल हमने निकाल के देखी, इसकी एक सेल से हमने देखा कि इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है और प्लांट के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, कैरेक्टर क्या था, सेल वॉल का प्रेजेंट होना, हमने इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, यानी कि इन दोनों को हमने एक ग्रुप बना दिया, हमने इनको बोल दिया प्लांटी। अब हम बैक्टीरिया को भी प्लांट्स बोल रहे हैं, नहीं प्लांटी की कैटेगरी में रख रहे हैं। जिनके पास सेल वॉल है हम उनको प्लांटी के अंदर रखेंगे, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है हम उनको एनिमेलिया के अंदर रखेंगे, यानी सेल वॉल, ईडब्ल्यू में सेल वॉल की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। सेल वॉल नहीं है तो हो गया एनिमल, सेल वॉल है तो हो गया प्लांट, मेंबर ऑफ प्लांटी एंड मेंबर ऑफ एनिमेलिया। तो ये हमने क्लासीफाई कर दिया सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पर, और ये काम कर रहे थे कैरोलस लीनियस, इस तरह से ये टैक्सोनॉमी के अंदर चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे थे। अब क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर हम एक ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर को यूज़ कर रहे थे, तो नई जो ब्रांच डेवलप हुई उसका नाम रखा गया सिस्टमैटिक्स, और उसमें कहा गया कि अभी तक जो आप काम कर रहे थे, आप सबको एक ही तराजू से तोल रहे थे, सिर्फ एक फीचर का आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बेसिस पे आप सबको बता रहे थे, वो गलत है, वो अब नहीं चलेगा, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स इंक्लूड करने होंगे और बहुत सारे फीचर्स इसमें आएंगे, जिसमें एक फीचर होगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और भी बाद में बहुत सारे फीचर्स ऐड होते गए, इसलिए सिस्टमैटिक्स को बाद में कर दिया गया बायोसिस्टमैटिक्स। और जो पहले वाली टैक्सोनॉमी थी, यानी जैसे पुराना गाना होता है, गाना होता है पुराने टाइम का, उसको पुराना गाना बोलते हैं, तो जो टैक्सोनॉमी है उसको हम क्लासिकल सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक्स नया रूप है और टैक्सोनॉमी पुराना वर्जन है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझ ली हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर हमने रूल्स लॉज को फ्रेम किया था डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, नोमेनक्लेट करने के लिए और क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन जो हमारे रूल्स थे क्लासिफिकेशन के वो सिर्फ बेस्ड थे कुछ ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। अब उनको कर दिया गया रिजेक्ट कि सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर या दो कैरेक्टर के आधार पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं करेंगे, आप ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी टेक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टू अकाउंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है उसका मतलब यह है कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने से पहले, क्लासीफाई करने से पहले उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके सामने तीन इंडिविजुअल्स के फोटोज लगे हुए हैं, एक मेरा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एप, ये एप होता है और ये होता है एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। ये दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप इस एप की तुलना इस ह्यूमन बींग से करें तो इनमें बहुत ही ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज हैं। तो अगर हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये तो एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग इंडिविजुअल हैं। अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी ना करें, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे पता चली? हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फॉसिल रिकॉर्ड से पता चली।
जब अर्थ की खुदाई हुई, हमने फॉसिल्स देखे, हमने ह्यूमंस का डेवलपमेंट देखा, ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखा, तो हमें पता चला कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो एप लाइक थे, यानी एप नहीं थे लेकिन एप लाइक थे। अब आप दोनों में सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसने ये बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स थे वो एप की तरह के थे, तो एप में और हमारे एंसेस्टर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज रही हैं, इसलिए हम एप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं। हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं और हम एप लाइक एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखा गया जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। तो ये सिस्टमेटिक्स होता है। आई होप आप सिस्टमेटिक्स की जो डेफिनेशन है और सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है वो आप अभी तक समझ गए होंगे। आगे और हम इसको समझेंगे। तो सिस्टमेटिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा का मतलब ही अरेंजमेंट होता है, ये लैटिन वर्ड है। अब की बार ये ग्रीक नहीं, ये लैटिन वर्ड है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी ऑर्गेनिजम्स को आप अरेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और ज़्यादा सिस्टमेटिकली करिए, अच्छे से करिए, आप सिर्फ एक फीचर ना लीजिए, उसके अंदर आप और बहुत सारे फीचर्स को इंक्लूड करिए। सबसे पहले कैरोलस लीनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने ही इस टर्म का यूज किया अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसका नाम हमेशा याद रखिएगा। हू रोट सिस्टेमा नेचुरे? इट इज कैरोलस लीनियस। सिस्टेमा नेचुरे कैरोलस लीनियस, ये आपको याद हो गया होगा। अब ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ कि हम जब टैक्सोनॉमी की स्टडी कर ही रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या कीड़ा उठा कि हम इसको और फीचर्स इंक्लूड करने लगे? तो ये बहुत अच्छी लाइन आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, उसमें बताया, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेड द डिस्कवरी ऑफ दिस ब्रांच। यानी हमारा जो ह्यूमन बींग्स का इंटरेस्ट होता है, अलग अलग लिविंग बींग्स के अंदर क्या कोई रिलेशनशिप है ये जानने का, ये हमारी रुचि रहती है इस बात में कि हम ये जानें कि इनके बीच में कहीं कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इसी वजह से ये ब्रांच डिस्कवर हुई, जिसमें हमने और सारे फीचर्स को जोड़ना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ्रेंड मिलता है, आप उससे बात करना शुरू करते हैं, अनजान है, वो आपको बताता है कि मैं इस गाँव का हूँ, तो आप तुरंत बताएंगे, अच्छा उस गाँव में तो मेरी बुआ है, मेरे मामा है, अच्छा हाँ वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो इस तरह से हम, हमारी क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने के लिए कि हम तुरंत किसी न किसी से संबंध या संपर्क निकालने का प्रयास करते हैं, ये टेंडेंसी है हमारी। तो ये टेंडेंसी ही थी जिसने ये कहा कि आप सिर्फ उनके बाहर के फीचर्स ना देखें, ये तो देखें कि क्या उनके अंदर कुछ और सिमिलैरिटीज हैं, क्या पता वे 2000 साल पहले एक जैसे रहे हों। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उनकी आप कंसिडर करिए। तो ये बात कही सबसे पहले सिस्टमेटिक्स में टर्म यूज किया कैरोलस लीनियस ने, और फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स कहा जाता है जूलियन हक्सले को। ये वही हक्सले हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनको ध्यान में रखा जाता है। अब बायोसिस्टमेटिक्स टर्म अभी हमने पढ़ा है, बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब यह है इसमें और फीचर्स, और एडवांस फीचर्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए। अब सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन ये बनती है, सिस्टमेटिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू एप्रोप्रिएट सिस्टम। यानी कि अभी तक का जो आपका सिस्टम था टैक्सोनॉमी के अंदर वो एप्रोप्रिएट नहीं था, अब हम एक नया एप्रोप्रिएट सिस्टम ले आए हैं। जो अप्रोप्रिएट सिस्टम हम लेकर आए हैं उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स। अब ये कर क्या रही है, इट क्रिएट्स ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर। ये लाइन आपको याद रखनी है, ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट है, ये डिसऑर्डरली मैनर में अरेंज है, यहाँ पर इनको ऑर्डर में रख दिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैच बुक्स का एग्जाम्पल आप देखिए, सारी जो मैचेज हैं वे इधर उधर पड़ी हुई हैं, दूसरी जगह इनको पूरा ऑर्डरली अरेंज किया गया है। तो सिस्टमेटिक्स भी यही कर रही है, जो डिसऑर्डर लिविंग बींग्स का इधर उधर है, हम उनको स्टडी नहीं अच्छे से कर पा रहे थे, टैक्सोनॉमी भी हमारी अच्छे से मदद नहीं कर रही थी, तो सिस्टमेटिक्स ने उस डिसऑर्डर को दूर किया और एक ऑर्डर क्रिएट किया। तो सिस्टमेटिक्स इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी सिस्टमेटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड है और इसके अलावा और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी मॉर्फोलॉजी ले ही रहे थे मॉर्फोलॉजी को हम साथ में, हमने एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लेना स्टार्ट कर दिया, जेनेटिक्स यानी उसके जो जीन्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या उनका मेथड है वो भी हमने लिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट इसी से हुई थी, क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जिसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है, तो ये उसके अंदर लिया गया। बायोकेमिस्ट्री यानी कि उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो, फिजियोलॉजी यानी कि उसके अंदर फिजिकल प्रोसेस डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब किस तरह से होते हैं, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल अडेप्टेशन यानी एनवायरमेंट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट से उसने कितना अपने आप को अडेप्ट किया है, चेंज किया है, क्या पता वो स्पेसी 3000 साल पहले एक जैसी रही हो,
एक स्पीसीज ने अपने आपको एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया और दूसरी ना कर पाए हो, है वे एक जैसी और आज की डेट में आप उनको अलग अलग करके स्टडी कर रहे हो। तो ये सब कन्फ्यूजन, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी सिस्टमैटिक्स ने दूर की। तो एक पाई चार्ट से हम सिस्टमैटिक को समझे तो इसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी आ गई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आ गई, बायोकेमिस्ट्री भी आ गई, एनाटॉमी एंड टैक्सोनॉमी भी आ गई। तो सिस्टमैटिक्स इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सोनॉमी। के वीडियो लेक्चर का अब हम समरी कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज की वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन में हमने ये जाना था कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी अलग अलग वैरायटी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स डिफर करती हैं, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी, साइज में, कलर में, इंटरनल फीचर्स यानी एनाटॉमी में, हैबिट यानी उनके बिहेवियर पैटर्न्स में, और उनके रहने की जगह में यानी वे कहाँ पर रहते हैं। तो ये जो वैरायटी है इसी को डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो हमारे लिए काम हो गया डिफिकल्ट कि हम उनको सबको स्टडी कैसे करें। अब उन सबको स्टडी करने के लिए एक नई ब्रांच बनाई गई जिसका नाम रख दिया गया टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में कुछ रूल्स बनाए गए जिनके बेसिस पर आप नई स्पीसीज को स्टडी कर सकते हैं। उन रूल्स में कुछ स्टेप्स भी रखे गए कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका नाम रखिए और फिर आप उसको क्लासीफाई कर दीजिए। लेकिन इसके अंदर कुछ ही फीचर्स को इंक्लूड किया गया, इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं माना गया। अब इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया सिस्टमैटिक से, जिसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिस्टम माना गया क्योंकि इसके अंदर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इन्वॉल्व कर दिया गया। अब इससे माना जाता है कि इट क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर, यानी अभी तक का जो डिसऑर्डर मचा हुआ था ये सारा का सारा सिस्टमैटिक्स ने हमारा ठीक कर दिया। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। यहाँ तक जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अगर आपको अच्छे से समझ आई हैं तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।